बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान को कौन नहीं जानता। हालांकि सलमान के फैंस ना केवल देश में ही हैं बल्कि दुनिया भर में हैं, मगर बहुत कम लोग ही इस बात से वाकिफ होंगे कि उनके दबंग भाई एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। आज हम आपको सलमान की इस बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि उनके फैन भी उनके बारे में थोड़ा और जान सके। तो आइए जानते हैं सलमान खान की इस बीमारी को। आपको बता दें कि बॉलीवुड के दबंग खान को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नामक बीमारी है, जो कि एक न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर की बीमारी है। बताना चाहेंगे कि सलमान खान ने इस बीमारी का काफी लंबे समय तक इलाज भी कराया है, जिसके लिए वो अक्सर अमेरिका आते जाते हैं। जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसके चेहरे के कई हिस्सों जैसे जबड़ा, कान, सिर आदि में बहुत ज्यादा दर्द उठने लगता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सलमान इस बीमारी से पिछले करीब 9 से 10 साल से पीड़ित हैं। वैसे बॉलीवुड में आज भी कई ऐसे सितारे हैं जो कि ऐसे ही कई गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं या तो लड़ चुके हैं और इस लड़ाई को जीत भी चुके हैं।